विश्वास पर बने रहिए। यहाँ प्याज बैक मसल को मजबूत करता है और कमर दर्द को दूर करता है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर गर्दन और छाती को सामान्य स्थिति में लेके आइए और धीरे धीरे नितंब एड़ियों पर टिका के रखें, छाती को धरती पर स्थापित करें और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। यहाँ अभ्यास अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बनी रहिए। यहाँ अभ्यास फेफड़ों का कार्यक्षमता को बढ़ाता है और धीरे आसन कहा जाता है और इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए। यहाँ आसन शरीर और मन को नियंत्रण करता है, शांति प्रदान करता है। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। मकर आसन से दोनों पैरों को मिलाइए और धीरे धीरे श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों दूर करता है और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे लेके आइए। पुनः मकरासन में विश्राम कीजिए और शरीर में ऊर्जा का महसूस करने का प्रयास करेंगे। सुपंसिंसा आसन, बाएं या दाएं तरफ करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। अब हम सेतुबंध आसन का अभ्यास करेंगे, जिसे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः कमर को नीचे लेके आइए और सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास अर्धहलासन, दोनों पैरों को मिलाइए, हाथों को शरीर के पास रखिए, प्रयास कीजिए और घुटने को सीधा रखने का प्रयास और इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ देर बनी रहिए। सामान्य श्वास प्रश्वास पर यह आसन पाचन क्रिया को बढ़ाता है, डाइजेशन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, अजीर्ण कब्जी जैसे विकारों को निवारण करता है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और पैर को गहरा लंबा श्वास लीजिए और गहरा लंबा श्वास बाहर छोड़िए। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रहना है। शरीर में उत्पन्न होने वाले ऊर्जाओं का महसूस करने का प्रयास। गहरा लंबा श्वास लीजिए, पूर्णता से विश्राम कीजिए और धीरे से पाए या करिए इस आवृत्ति के लिए।